हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। शहर में बृहस्पतिवार को एक बस में आग लग गई, जिसमें सवार 35 यात्री बाल बाल बच गए। एक दमकल अधिकारी ने यह जानकारी दी। नागपुर नगर निगम के मुख्य दमकल अधिकारी राजेंद्र उचके ने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब 9:20 पर रिजर्व बैंक चौक के निकट हुई, जब नगर निकाय द्वारा संचालित बस मोर भवन की तरफ से खापरघेड़ा की ओर जा रही थी। अधिकारी ने बताया कि आग इंजन की तरफ से लगनी शुरू हुई, जिसके बाद सभी यात्री तुरंत बस से नीचे उतर गए। उन्होंने कहा कि दमकल की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू किया। अधिकारी ने कहा किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। बरडी मेन रोड पर गुरुवार को दोपहर उस समय हंगामा मच गया, जब चौड़े रोड पर कब्जा करने के लिए हॉकरों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सड़क चौड़ी होने के बाद अब उस पर कब्जा करने के लिए दोनों गुटों के कथित नेताओं के इशारे पर यह मारपीट हुई। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचते ही अवांछित तत्व भाग खड़े हुए। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि दोपहर 12 बजे के बाद यह हंगामा शुरू हुआ। कुछ समय बाद दुकान लगाने को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट के समर्थक से गाली गलौज की। बाद में झगड़ा मारपीट तक बढ़ गया। कुछ ने दावा किया कि चाकू छुरा तक निकाल दिया गया था, लेकिन इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की। बरडी पुलिस को किसी ने सूचना दी कि करीब 100 से अधिक बाहरी गुंडे मेन रोड पर उत्पात मचा रहे हैं। बरडी पुलिस का दस्ता वहां पहुंचा और लोगों को खदेड़ना शुरू किया। वैसे पुलिस ने दावा किया कि जब उसका दस्ता मेन रोड पहुंचा, तब उसके आने की खबर सुनते ही सभी अवांछित तत्व भाग खड़े हुए। जानकारों ने बताया कि बरडी मेन रोड पर मनपा द्वारा अधिकृत जितने हॉकर होने चाहिए, उनसे कहीं ज्यादा गैरकानूनी जमावड़ा बढ़ गया है। ओबीसी वर्ग के राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे को लेकर स्थानीय निकायों के चुनाव को रोककर रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब बिना ओबीसी आरक्षण के ओपन वर्ग से चुनाव 2 महीने के भीतर करवाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ नागपुर जिला परिषद में अध्यक्ष के लिए रोस्टर का रास्ता साफ हो गया है। जून में विद्यमान जिला परिषद अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 17 जुलाई को नया अध्यक्ष बैठाना चाहिए। नियम तो यह है कि अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले ही आगामी अध्यक्ष किस वर्ग का होगा, इसका आरक्षण तय किया जाता है। इस हिसाब से जनवरी 2022 में ही रोस्टर निकलना चाहिए था। फिलहाल जिला परिषद में SC वर्ग का अध्यक्ष है। आगामी अध्यक्ष किस वर्ग से होगा, इसका निर्धारण जनवरी में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बताया जाता है कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण के पेच में यह रोस्टर भी फंसा हुआ था। हालांकि जानकार बताते हैं कि अगली बारी अनुसूचित जनजाति ST या ओपन वर्ग की है। इन दो में से किसी एक के लिए अध्यक्ष पद आरक्षित हो सकता है। सुको के निर्देश के बाद अब सरकार द्वारा जल्द ही रोस्टर निकालने की संभावना जताई जा रही है। अत्यंत लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जीवन, उनके ध्येय तथा दूरदृष्टि पर आधारित लेखक, अनुवादक एवं शिवायु आयुर्वेद लिमिटेड के मार्केटिंग डायरेक्टर डॉ. विजय कुमार शर्मा द्वारा लिखी आउट ऑफ द बॉक्स प्रबंधन मंत्र नितिन गडकरी अथा असीम, इस मूलतः हिंदी में लिखी किताब तथा उसके मराठी और अंग्रेजी संस्करण का विमोचन शनिवार 7 मई को शाम 5:30 होने जा रहा है। विदर्भ सेवा समिति नागपुर द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम कवि कालिदास हॉल परसिस्टेंट कंपनी IT पार्क में होगा, जिसमें नितिन गडकरी मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विकास शिरपुरकर करेंगे। इस कार्यक्रम में नई दिल्ली के दीपरेंट के संस्थापक, मुख्य संपादक और लेखक शेखर गुप्ता मुख्य अतिथि एवं पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, मैनकाइंड फार्मा के CEO राजीव जुनेजा और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अमरपुर गांधीनगर के निदेशक विपिन कुमार विशिष्ट बतौर अतिथि उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर विजय कुमार शर्मा द्वारा लिखी गई इस किताब से नितिन गडकरी के सकारात्मक ऊर्जा, दूरदर्शिता, प्रबंधन कौशल, अनुसंधान प्रवृत्ति जैसे स्वप्रबंधन के आधुनिक सूत्रों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर शर्मा द्वारा हिंदी में लिखे इस ग्रंथ के प्रकाशक दिल्ली स्थित वाणी प्रकाशन है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 8 मई को सिविल लाइंस में सुबह 6:15 एक संगीत कार्यक्रम ब्रह्मनाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यवतमाल के डॉक्टर राहुल काशीनाथ एकबुटे शास्त्रीय गीतों की प्रस्तुति देंगे। आयोजकों ने शहर में चिलचिलाती गर्मी को मद्देनजर रखते हुए और कला प्रेमियों की सुविधा के लिए इस कार्यक्रम को सुबह आयोजित करने का फैसला किया। डॉक्टर एकबुटे ने आचार्य विवेक गोखले और स्वर्गीय प्रोफेसर पुरुषोत्तम राव कासलीकर से शास्त्रीय गीतों में प्रारंभिक पाठ लिया है। इसके अलावा उन्हें पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, रामदास कामत, डॉक्टर राजेंद्र देशमुख सहित अन्य कलाकारों से भी बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है।
वे 67 राज्य और विदर्भ स्तर के संगीत कार्यक्रमों में विजेता रह चुके हैं। उन्होंने 1800 से अधिक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया और विभिन्न पुरस्कार जीते। राम खड़से, गजानन रानड़े तबला और श्रीकांत पाइस हारमोनियम में साथ संगत करेंगे। एंट्री के लिए शुल्क 50 रुपये प्रति व्यक्ति है और प्रवेश पास कार्यक्रम के ठीक पहले केंद्र के गेट पर उपलब्ध होगा। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के आयोजकों ने नागरिकों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दस्ते ने 3 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 20,000 रुपये का जुर्माना वसूला। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में लक्ष्मीनगर और धर्मपेट जोन के उपद्रव खोजी दल ने प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संदर्भ में कार्रवाई की। टीम ने लक्ष्मीनगर जोन के अंतर्गत सुभाष नगर चौक स्थित गायत्री रेस्टोरेंट के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की और 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह धर्मपेट जोन के अंतर्गत सदर बाजार में अंपायर टेलरिंग सेंटर दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया। धंतुली जोन के अंतर्गत नरेंद्र नगर स्थित पटले बिल्डर्स के खिलाफ सड़क के निकट बिल्डिंग मटेरियल रखने पर कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया। यह कार्रवाई एनडीएस प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में की गई। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर नागपुर समेत विदर्भ के तापमान पर हुआ है। पारा चढ़ने से नागपुर समेत विदर्भ में भीषण गर्मी से लोग हलाखान होने लगे हैं। पिछले 48 घंटे में नागपुर का अधिक तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। हालांकि मौसम विभाग की नई रिपोर्ट के अनुसार विदर्भ में चंद्रपुर जिले को छोड़कर सभी जिलों में और 2 दिन गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलेगी। नागपुर का अधिक तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ बनने व हवा की दिशा परिवर्तित होने से नागपुर समेत विदर्भ में हीट वेव की स्थिति बरकरार रहेगी। मंगलवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की वजह से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन 2 दिन बाद फिर से गर्मी ने फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,140 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 4,86,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 6,000 रुपये का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 6 मामलों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 19,000 रुपये का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। नागपुर महानगर पालिका के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोर्बेवैक्स टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। लक्ष्मीनगर जोन में कामगार नगर UPHC, कामगार नगर कॉलोनी, सुभाष नगर एवं जैताला UPHC, जैताला में आज कोर्बेवैक्स का टीका उपलब्ध है। धर्मपेट जोन में फुटाला UPHC, अमरावती रोड गली नंबर 3, सुधाम नगर UPHC, पांड्राबोड़ी हिलटॉप, केटी नगर UPHC, केटी नगर, हजारी पहाड़ UPHC, हजारी पहाड़, डिग डिस्पेंसरी, VIP रोड, धर्मपेट एवं इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर में आज कोर्बेवैक्स का टीका उपलब्ध है। हनुमान नगर जोन में मानेवाड़ा UPHC, शाहू नगर, नरसाला UPHC, नरसाला, हुड़केश्वर UPHC, हुड़केश्वर में आज कोर्बेवैक्स का टीका उपलब्ध है। इसी तरह धंतोली, नेहरू नगर, गांधीबाग, सतरंजीपुरा जोन, लकड़गंज जोन, आसीनगर जोन और मंगलवारी जोन में मनपा के तमाम टीकाकरण केंद्रों में आज कोर्बेवैक्स का टीका उपलब्ध है। डीजल के दाम जब से बढ़े हैं तब से बसों में किराया बढ़ाने को लेकर कश्मकश जारी है। कुछ निजी बस संचालकों ने कई जगह का किराया बढ़ा दिया है तो कुछ बस ऑपरेटर अभी भी पुराने किराए पर यात्रियों को सफर करा रहे हैं। वहीं कुछ बस यात्रियों की कमी होने के डर से बढ़ा हुआ किराया चुनिंदा सवारियों से ही ले पा रहे हैं। राहत की बात यह है कि ST महामंडल ने अभी तक किसी भी जगह का कोई किराया नहीं बढ़ाया है। इस कारण ज्यादातर यात्री ST बसों से ही सफर करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन जिन इलाकों में ST बसें नहीं जा रही वहां उन्हें मजबूरी में बढ़ा हुआ किराया ही देना पड़ रहा है। बता दें कि इस साल डीजल की कीमतों में कई बार इजाफा हुआ है, जिसके कारण यात्री किराए के साथ ही माल भाड़े में 10 से 20% तक बढ़ोतरी हुई है।
यात्रियों का कहना है कि बस संचालक सीट के पैसे पूरे ले, ये तो नियम है, लेकिन अगर बस में क्षमता से अधिक सवारियां लादी जा रही है तो वे बढ़ा हुआ किराया क्यों दे। इसे लेकर कई बार बस कंडक्टर और सवारियों के बीच विवाद भी हुए है। सावनेर स्थित अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में 10 दिवसीय समर कैंप सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने माता सरस्वती की प्रतिमा को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ समारोह का शुभारंभ किया। अश्विनी ताजने ने कार्यक्रम का संचालन किया। विद्यार्थियों ने 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर के अपने अपने अनुभवों को साझा किया। शिविर से संबंधित वीडियो भी विद्यार्थियों को दिखाए गए। शिविर में आयोजित विभिन्न विभिन्न स्पर्धाओं के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने कहा कि हम आगे भी इसी तरह के शिविरों का आयोजन करेंगे। स्कूल के चेयरमैन एवं पूर्व कृषि मंत्री रंजीत बाबू देशमुख ने स्कूल टीम की सराहना की। अरविंद बाबू देशमुख प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. आशीष देशमुख ने समर कैंप के सफल आयोजन हेतु स्कूल का अभिनंदन किया। परशुराम जयंती पर राजस्थानी ब्रह्म समाज द्वारा महाआरती का भव्य आयोजन श्री राजस्थानी ब्रह्म समाज भवन स्मॉल फैक्ट्री एरिया नागपुर में किया गया। वरिष्ठ समाज बंधु महाआरती में सम्मिलित हुए। सबसे पहले भगवान परशुराम जी की मूर्ति पर वरिष्ठ समाज बंधुओं ने माल्यार्पण किया। आयोजन की अध्यक्षता त्रिलोकीनाथ सिद्रा ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में सिद्रा ने राजस्थानी ब्रह्म समाज द्वारा की जा रही समाज सेवा की प्रशंसा की। भजन गायक मयंक शर्मा द्वारा बाबा की आरती की गई। तत्पश्चात विशेष 108 आरती की थाली से सभी समाज बंधुओं द्वारा महाआरती की गई। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण शर्मा, संजय पालीवाल, महेश तिवारी, विश्वजीत भगत, राकेश शर्मा, राजू शर्मा, संजय चतुर्वेदी, अनिल शर्मा, आनंद चौबे, देव शर्मा, ओम शर्मा, कैलाश शर्मा, विक्रम शर्मा, विष्णु शर्मा, सतीश शर्मा, अभिषेक जोशी, पीयूष जोशी, दीपक पारिक, धनराज पुरोहित, यश शर्मा, गौरव शर्मा, अमित शर्मा, प्रियंका शर्मा, केविला शर्मा, पिंकी शर्मा, अनीता शर्मा, सुनन्या शर्मा, प्रीति शर्मा आदि समाज बंधु उपस्थित थे। तेली समाज की सभी पोर्ट शाखाओं के इंजीनियर, डॉक्टर, प्राध्यापक, उच्च शिक्षित, उच्च पदस्थ, व्यापारी क्षेत्र के युवक युवती की सुयोग्य शादी जमाने हेतु 298 व विदर्भ व्यापी तेली समाज विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं बुक प्रकाशन समारोह रविवार 22 मई को दोपहर 2 बजे विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन सीतावर्डी में संयोजक राजेश पीसे ने कर्मयोगी समाज रत्न स्वर्गीय पांडुरंग पीसे की स्मृति में आयोजित किया है। वरवधु परिचय सम्मेलन पंजीकरण तथा डिजिटल बुक प्रकाशित हो रही है। तद हेतु संयोजक राजेश पीसे, स्नेही पुकार कार्यालय, रेशिमबाग लोकांची शाला चौक, ग्रेट नाग रोड, नागपुर ने 15 मई तक संपर्क करने की अपील की है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की दिल्ली में हुई एक राष्ट्रीय बैठक में देश के सभी राज्यों के 50 से अधिक शीर्ष व्यापार नेताओं ने सर्वसम्मति से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के मद्देनजर रूस को भारतीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के कार्य का नेतृत्व कराने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुनिया के अन्य देशों में भारतीय उत्पादों के निर्यात की योजना को बढ़ावा देने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा और उनके इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर कैट ने इस दिशा में कार्य करने का निर्णय लिया है। यह अवसर यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा रूस पर प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रतिबंधों के चलते रूस में पहली बार आवश्यक उत्पादों की कमी होने की संभावना है। ज्ञातव्य है कि रूसी सरकार द्वारा समर्थित कई रूसी कंपनियों ने भारतीय सामानों की खरीद फरोख्त के लिए कैट से संपर्क किया है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश के शीर्ष व्यापार नेताओं की बैठक में रूस में व्यापार के पर्याप्त अवसरों पर विस्तार से चर्चा हुई। केवल FMCG और प्रसंस्कृत खाद्य श्रेणियों में आज तक मौजूद संपूर्ण व्यापार अवसर 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। समाज सेवा में हमेशा अग्रसर रहने वाली डॉक्टर ऋचा जैन एवं राजकुमार जैन द्वारा समाज के उद्धार के लिए RRJ चैरिटेबल फाउंडेशन की शुरुआत की गई। इस फाउंडेशन के अंतर्गत भक्तांबर एवं नमोकार मंत्र, हीलिंग के 21 दिन का कोर्स एवं 3 माह के शरीर के दर्द का वेव हेल्थ ट्रीटमेंट बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है, जिसमें सभी तरह की शारीरिक बीमारियां जैसे कैंसर, स्ट्रेस, सिर दर्द, पैर, घुटना, स्पाइन का दर्द, साथ ही नौकरी न लग पाना, प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री न हो पाना, CA, CS या कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में सफलता प्राप्त न होना, सालों के रुके हुए काम या पैसा प्राप्त न हो पाना, व्यापार अच्छा न चलना या घर में लक्ष्मी न रुक पाना, इन सभी समस्याओं एवं शारीरिक बीमारियों और समस्याओं के लिए इस हीलिंग सेंटर में प्राथमिकता से निःशुल्क उपचार दिया जाएगा।
इस सेंटर का उद्घाटन हाल ही में विधायक अभिजीत वंजारी एवं महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं रिबन काटकर किया गया। अन्य सम्माननीय अतिथियों में दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अभय कुमार पनवेलकर, पाटनी ऑटोमोबाइल के नरेश पाटनी, तीर्थरक्षा कमेटी के राष्ट्रीय महामंत्री संतोष पिंडारी, महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव आशा राउत आदि का समावेश रहा। अनिरुद्ध पांडे को NSUI का नागपुर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पिछले 5 साल से NSUI में सक्रिय रहकर विद्यार्थियों की हक की लड़ाई वे लड़ रहे थे। उनकी इसी मेहनत को देखकर उनकी नियुक्ति NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, प्रदेश NSUI के प्रभारी नागेश करियप्पा, महाराष्ट्र प्रभारी करण तामसेतवार, प्रदेश अध्यक्ष आमिर शेख ने की। अनिरुद्ध पांडे कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी व मध्य प्रदेश सेवा दल के प्रभारी कृष्ण कुमार पांडे के भतीजे व स्वर्गीय धीरज पांडे के छोटे भाई है। अपनी नियुक्ति पर अनिरुद्ध ने महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत, प्रदेश सचिव अजीत सिंह, आशीष मंडपे, अमीर नूरी, प्रतीक कोल्ले, निखिल वानखेड़े, नागेश गिरे, फरमान अली, चेतन मेश्राम का आभार व्यक्त किया। ईद के मौके पर शहर के कुछ श्रद्धालुओं ने मदीना पहुंचकर देश में अमन शांति के लिए प्रार्थना की। रमजान के मौके पर नागपुर शहर से समाजसेवी वसीम खान के नेतृत्व में एक जत्था सऊदी अरब रवाना हुआ। मक्का और मदीना की पाक जमीन में पहुंचकर ईद उल फित्र के मौके पर देश में अमन और शांति के लिए उन्होंने दुआ मांगी और भाईचारा बने रहने की प्रार्थना की। इस मौके पर वसीम खान ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी और बताया कि देश में कुछ नेता घिनौनी राजनीति कर रहे हैं और असामाजिक तत्व आम नागरिकों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देश के खिलाफ ऐसी साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे और देशवासी सबका और अपना भला चाहता है। इस अवसर पर बच्चों में जूस और चॉकलेट का वितरण किया गया और सुख शांति से ईद मनाई गई। इस अवसर पर वसीम खान, हाजी अब्दुल नईम खान, हाजी असलम खान, तनवीर अहमद, सुल्तान भाई, इकबाल भाई, मोहम्मद जहीर, निजाम पठान, मोहम्मद जहीर, सैयद बसीर, नूर भाई आदि उपस्थित थे। तपती धूप में लोगों को उष्माघात से बचाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने अनोखा निर्णय लिया है। दोपहर के वक्त शहर के 21 चौराहों पर सिग्नल बंद रखे जाएंगे। नागपुर शहर की गर्मी से कोई अनजान नहीं है। दोपहर में इतनी तेज धूप होती है कि लोग ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती लाल होने पर चौराहे से पहले ही छाव देखकर रुक जाते हैं। ऐसे में DCP ट्रैफिक सारंग अवर ने सभी 10 ट्रैफिक जोन के अधिकारियों से चर्चा की। उन्हें कम ट्रैफिक वाले चौराहों पर दोपहर 12 से 4 बजे के बीच सिग्नल बंद करने के बारे में निर्णय लेने को कहा। ऐसे चौराहों को चुना गया जहां लोगों को छाव मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां सिग्नल बंद होने पर यातायात की समस्या न हो। प्रायोगिक तौर पर कुल 21 चौराहों का चयन किया गया है। सोनेगांव ट्रैफिक जोन के तहत काचीपुरा, बजाज नगर, लक्ष्मी नगर और माता कचेरी चौक के सिग्नल बंद रहेंगे। सीतावर्डी जोन में कन्नमवार चौक, आकाशवाणी चौक, GPO चौक, लेडीज क्लब, साइंस कॉलेज और अहिंसा चौक पर सिग्नल बंद रहेंगे। कॉटन मार्केट जोन में अग्ग्याराम देवी चौक, सरदार पटेल चौक और वैद्यनाथ चौक, अजनी ट्रैफिक जोन में वंजारी नगर टी पॉइंट और नरेंद्र नगर, इंदौरा ट्रैफिक जोन में कड़बी चौक, 10 नंबर पुलिया और भीम चौक, सदर ट्रैफिक जोन में जापानी गार्डन, पुलिस लाइन तालाब टी पॉइंट और राठौड़ लॉन चौक पर सिग्नल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए टाटानगर इतवारी टाटानगर के मध्य दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 18109 टाटानगर इतवारी आज शाम 5 बजे से तथा गाड़ी संख्या 18110 इतवारी टाटानगर 7 मई से प्रतिदिन चलेगी। गाड़ी संख्या 18109 टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस टाटानगर से प्रतिदिन प्रातः 9:15 बजे रवाना होगी तथा दूसरे दिन प्रातः 4:45 बजे इतवारी पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 18110 इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस इतवारी से प्रतिदिन रात को 12 बजे रवाना होगी तथा शाम को 7:45 बजे टाटानगर पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 5 सामान्य, 2 चेयर कार, 3 स्लीपर, 2 AC, 2 पार्सल यान तथा 2 SLRD सहित कुल 16 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। डेवलपमेंट एग्रीमेंट को कार्यान्वित करने से पूर्व महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट 1958 के नियम 31 के अनुसार डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर लगाई जा रही स्टैंप ड्यूटी को लेकर अर्जी दायर की गई थी। वन व राजस्व विभाग की ओर से 28 अगस्त 2020 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार कम स्टैंप ड्यूटी ली जानी चाहिए थी, किंतु जॉइंट डायरेक्टर रजिस्ट्रार ने अधिक स्टैंप ड्यूटी लेने के आदेश जारी किए। इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश MS जावलकर ने रजिस्ट्रार के आदेश को खारिज कर दिया।
साथ ही याचिकाकर्ता से वसूली गई अतिरिक्त स्टैम्प ड्यूटी 8 सप्ताह के भीतर वापस करने के आदेश भी दिए। याचिकाकर्ता की ओर से वसूली गई स्टैम्प ड्यूटी बैच के साथ वापस देने की मांग की गई थी, किंतु अदालत ने बैच के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अब कोर्ट के निर्देशानुसार संबंधित पक्ष को 23 लाख रुपए वापस करने होंगे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।